अस्सलाम वालेकुम गाइस, तबीयत सेहत बिल्कुल सेट वेट है। अच्छा, रूम में बैठा था तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लूँ, आप लोगों को इंटर हॉस्टल गार्डन का विज़िट करवा लूँ। तो वीडियो लंबी ज़्यादा करनी नहीं है तो सीधा चलते हैं इंटर हॉस्टल गार्डन। चले, एक काम कर, 200 रुपये दे और 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग के वजह। ये देखें आप, ये जो मैंने आपको दिखाया ये इंटर हॉस्टल गार्डन नहीं है, वो इससे काफ़ी बड़ा है। कैसा लगा मेरा मजाक? तो अभी हम वहीं जा रहे हैं सीधा। अभी मैं रूम से निकला हूं और सीधा बाहर के रास्ते को निकल रहा हूं। अभी हम पहुंच गए हैं एग्जिट गेट पे। ये देखिए, यहां आप लोग अखबार पढ़ सकते हैं खड़ा होकर, इधर कोई सीन नहीं है, टोक टोक वाला। ठीक है जी, इसके बाद हम आ गए हैं बाहर। हॉस्टल गार्डन ये देखें, यहाँ से हम इंटर होते हैं। ठीक है जी, और यहाँ आपको बिल्कुल ग्रीनरी ग्रीनरी नज़र आएगी। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल कुशादा सा ग्राउंड बनाया इन्होंने और इसके अंदर सारा ग्रास और आपको छोटे छोटे पौधे नज़र आएंगे, साथ गुलाब के फूल वगैरह। ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखें इस तरह, और सेंटर में एक फाउंटेन टाइप लगा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ जाकर। और इसके साइडों पर ना वो देख रहे हैं बेंचेस वगैरह बने हुए हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, गपशप कर सकते हैं, कॉलें सुन सकते हैं। समझ रहे हो? अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी फाउंटेन। देखिए जी, ये फाउंटेन है, अभी इस वक्त तो नहीं चल रहा लेकिन कभी कभी ये चलता होता है, और ये जब चलता है तो बड़ा ही मैं कहता हूँ पुरकशिश मंजर होता है, देखने लायक होता है। लाइटें वगैरह लगी होती हैं और पानी ऐसे ऊपर जा रहा होता है तो बहुत मतलब लेवल करा देता है। इसके बाद ये आप क्लोजली देख सकते हैं इसे। अच्छा यार, रिसेंटली ना इन्होंने ये लाइटें वगैरह लगाई हैं इस तरह की, इसके पूरी मतलब के बाउंड्री पे ना सारी थोड़े थोड़े वक्फे पे लाइटें लगाई हैं, तो रात को ये चलती हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है, बहुत ही खूबसूरत जैसे लश किस्म का व्यू आ रहा होता है। ये बड़े बड़े दरख्त होते हैं, नीचे लाइटें जल रही होती हैं और सेंटर में बिल्कुल सारा ऐसे ग्रीनरी टाइप, तो चिल माहौल होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा, इसका नाम इंटर हॉस्टल गार्डन इसलिए रखा गया है क्योंकि ये चार हॉस्टल्स के दरमियान है, चार बॉयज़ हॉस्टल है ना, तो ये हॉस्टल ये मेरे पीछे बिल्कुल, ये हॉस्टल 2 है और ये वाला हॉस्टल 3 है, ये हॉस्टल 1 है इस तरफ, और ये है डॉक्टर हॉस्टल। इन सारे हॉस्टलों के दरमियान वाली जो जगह है ना उसमें ये बनाया गया है और बेहतरीन लोकेशन। अच्छा यार, आज की वीडियो में इतना ही, अभी मैं वापस जा रहा हूँ, तो लाइक कमेंट फॉलो शेयर सब कुछ कर देना, ये बिन के कर दिया करो हमारे मतलब आपको। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।